जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से जनधन खाता धारकों के लिए कर दिए हैं चार बड़े ऐलान। 50 करोड़ जनधन खाता धारकों को हर महीने अब मिलेंगे 10,000 रुपये की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लाल किले से बड़ा भाषण दिया है, साथ ही चार बड़े ऐलान, 3 नई योजनाओं की भी शुरुआत कर दी है। वहीं आपको बता दी जाए कि यह 10 बड़ी चीज़ें आज रात 12 बजे से हो जाएंगी बंद, दैनिक जीवन में कभी भी अब नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। इसके अलावा आने वाले त्यौहार रक्षाबंधन पर सरकार ने महिलाओं को दी है यह बड़ी सुविधा। हर महिला को मिलेगी 2 दिन तक फ्री में बस में यात्रा करने की सुविधा, साथ ही एक एक स्मार्टफोन भी देगी सरकार। दोस्तों, कई बड़े ऐलान, कुछ बड़ी खबरें। महिला मजदूर श्रमिक किसान के साथ साथ हर एक युवा बेरोजगार एवं स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए निकल के आ रही हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड पर भी कुछ बड़े नियम लागू हुए हैं, जिनमें से अगर आपके पास भी कोई भी एक कार्ड है या फिर ई श्रम कार्ड है तो आपके लिए कई फायदे की एवं जरूरी खबरें आ रही हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दी जाए कि अगर आप यहां पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो बिना परीक्षा दिए ही पुलिस विभाग में होने जा रही है भर्ती, बन सकते हैं सिपाही। जान लीजिए कब से होगी आवेदन। अगर आप भी नौकरी लेना चाहते हैं पुलिस विभाग में तो दोस्तों कैसे आवेदन कराना होगा पूरी वीडियो में बताए रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे भी बनवा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आने जाने की कहीं भी ऑफिस में नहीं है ज़रूरत। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे आसान तरीके, आसान स्टेप्स हैं जिनको अगर आप भी घर बैठे फॉलो करते हैं तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन में यात्रा करने को लेकर मिली बड़ी छूट, रेलवे दे रहा है आधी से ज़्यादा की छूट, उठा लीजिए तुरंत फ़ायदा। भारतीय रेलवे आपके लिए त्योहारों के मौके पर कई छूट लेकर आ चुका है, तो कैसे आखिरकार आधे से ज़्यादा की आप अपने टिकट पर छूट पा सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, महिलाओं के लिए शुरू हुई सरकार के द्वारा यह खास योजना, हर महीने 1,000 रुपये जमा करके प्रति माह मिलेगा 10,000 रुपये का फ़ायदा। जी हाँ दोस्तों, इस योजना में महिलाओं के लिए एक विशेष योजना शुरू हुई है, जिसमें अगर आप हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का तोहफा सरकार देगी। यह कौन सी योजना है जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही अब आपके घरों की छतों पर लगेगा फ्री में सोलर पैनल, 25 सालों तक नहीं जमा करना होगा एक भी रुपए का बिजली का बिल। जी हाँ भाई और बहनों, काफ़ी दिनों से यह योजना जैसा कि आप लोगों को मालूम है चल रही है, तो नहीं मालूम है अगर तो कैसे आप भी यह फ्री में सोलर पैनल अपने घरों पर लगवा सकते हैं और फ्री में बिजली ले सकते हैं। सरकार अभी आपको यह बम्पर छूट दे रही है। इसके अलावा महज 500 रुपये में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, इस राज्य की सरकार ने दी है लोगों को बड़ी राहत। महंगाई से जूझ रही आम जनता के लिए सरकार जो है महज 500 रुपये में अब आपको रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने वाली है। तो कहां पर यह रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अरहर दाल, तेल, चना एवं चावल, आटा, दाल कीमतों में हुआ तेजी से बढ़ोतरी, आम जनता को लगा बड़ा झटका। तो दोस्तों, क्या वर्तमान में कीमतें चल रही हैं, ताजा कीमतें भी जानेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट बड़ी खबर, बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, इस राज्य में सरकार करने वाली है बिजली का बिल माफ़। अगर आपका बिजली का बिल बकाया है, उसे आप नहीं जमा कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, तो अब आपके लिए बिजली बिल उपभोक्ताओं को विभाग की तरफ से बड़ी छूट दी गई है। यदि आप भी इन 3 शर्तों को मानते हैं तो आप भी अपना बिजली का बिल माफ़ करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो अगले महीने से होने वाले हैं देश में यह 5 बड़े बदलाव, जानना है बेहद ही ज़रूरी। जी हाँ, देश भर में आने वाला महीना सितंबर का है और इस महीने 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, यह बड़े बदलाव आपके दैनिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं। अगर आपका बैंकों में खाता है, घर में रसोई गैस सिलेंडर आता है या फिर अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, तो इन नियमों की, इन खास बदलावों की जानकारी ले लीजिएगा, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो जाएगा। कुछ ऐसे नियम हैं जो कि अगले महीने से आपके बैंक से संबंधित बदल जाएंगे। वहीं अगली अपडेट की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा तोहफा, अब हर खाता धारक को मिलेंगे 10,000 रुपये। जी हाँ, अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं तो दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से प्रधानमंत्री जनधन योजना और ई श्रम कार्ड योजना के तहत 10,000 रुपये की हर अकाउंट पर सुविधा देने की बात कही है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इसका फ़ायदा लेना तो वीडियो में बने रहिए, आपके लिए कई बड़ी खबरें आ रही हैं। इसी के साथ अगली अपडेट की बात करें तो रक्षाबंधन से पहले सस्ता हुआ इतने रुपये तक सोना, जल्दी से जल्दी कर लें खरीदारी।
तो दोस्तों आपको पेट्रोल डीजल सोना चांदी रसोई गैस सिलेंडर की भी ताज़ा कीमतें इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसके अलावा आपके गांव आपके शहर के ताज़ा मौसम के हाल भी बताएंगे। तो आइए इस वीडियो में पूरी खबर की जानकारी शुरुआत करते हैं, एक एक करके जानते हैं। उससे पहले गुजारिश है दोस्तों, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर बेल की घंटी को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की बेहद ही बड़ी खबर, 2000 रुपये के नोट के बंद होने के बाद 500 रुपये के नोट पर भी आई बड़ी खबर। आपके भी पास कहीं तो नहीं है यह नोट? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जैसा कि देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2000 रुपये के नोट को संपूर्ण देश में बंद कर दिया गया है और जितने भी नोट हैं उन्हें वापस सरकार मंगा रही है। ऐसे में दोस्तों इसी बीच खबर 500 रुपये के नोट को लेकर भी निकल कर आई है। तो क्या 500 रुपये का नोट भी बंद हो सकता है? RBI ने इस पर एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके कारण बाजार में घूम रहे 500 रुपये के नोटों पर एवं जिनके पास 500 रुपये के नोट हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके पास भी 500 रुपये का नोट है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 500 रुपये का नोट फिलहाल तो बंद नहीं होगा, लेकिन RBI ने कहा है कि आपको सावधान रहना है, देश में कुछ ऐसे नकली नोट भी घूम रहे हैं। इसके अलावा 500 रुपये के नोट दो प्रकार के हैं, जिसमें से एक नोट पर एक किनारे नंबर जहाँ पर लगा होता है नोट का वहाँ पर स्टार बने होते हैं और एक में स्टार नहीं होता है। यानी कि दोस्तों दोनों ही नोट नकली असली हैं, इनमें से नकली कोई भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये दोनों नोट नकली हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर फिलहाल घबराना नहीं है, कोई भी नोट अभी बंद नहीं होगा। और वहीं अगली बड़ी खबर, ट्रैफिक नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जान ले वरना भारी पड़ सकती है लापरवाही। जी हाँ दोस्तों, अब भयंकर जुर्माना आपको लगेगा अगर आप दो पहिया चार पहिया गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं और इन नियमों की आपको जरा भी अंदेशा नहीं होता है, तो अब आपको भारी ऑनलाइन जुर्माना लगेगा। दरअसल देश का परिवहन विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लापरवाह ड्राइवरों को लेकर कुछ ऐसे नियम बदलाव किए हैं, जिनमें से अधिकतर दो पहिया वाहनों को बताया जा रहा है कि अब खासकर चालान काटा जाएगा। जो ऐसे दो पहिया वाहन हैं जो कि देश में मॉडिफिकेशन करवा के अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें, बिना हेलमेट के लिए भी ई चालान का अब यहाँ पर खासकर परिवहन विभाग ने जोर पकड़ाया है, यानी कि अब यहाँ पर खास पर जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ ट्रिपलिंग यानी तीन लोगों को बैठाकर गाड़ी चलाना भी पूरी तरीके से दंडनीय अपराध माना गया है और आपका भी इसमें भारी भरकम चालान कट सकता है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, पुलिस विभाग में होने वाली हैं बम्पर भर्तियां, 10वीं पास भी हो सकते हैं बिना परीक्षा दिए भर्ती। जी हाँ भाइयों और बहनों, अगर आप यहां पर पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 52,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। फिलहाल दोस्तों बता दें, यूपी पुलिस की तरफ से 52,000 पदों पर यह जो भर्तियां होंगी इसमें सिपाही और इंस्पेक्टर के पद भी शामिल होंगे, जिसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। यानी पुरुष तो नौकरी ले ही सकते हैं, महिलाएँ भी कर सकती हैं आवेदन, और इसमें आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी, उसके बाद आपका चयन कर लिया जाएगा और थोड़ी बहुत दौड़ भी लगवानी पड़ेगी। तो फिलहाल अगर आप 12वीं पास होते हैं, 18 साल से उम्र ऊपर आपकी है, तो आप भी आवेदन करने के लिए इसमें बिल्कुल पात्र हैं। जल्द ही यह भर्तियाँ होने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। साथ ही नेक्स्ट बड़ी खबर, बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए आई बड़ी अपडेट, इस विभाग में बिजली बिल नहीं जमा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो इधर यूपी सरकार की तरफ से फिलहाल तो कुछ राहत दी गई है, जिसमें से बिजली विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि जिन लोगों का बिजली का बिल बकाया है उनको एक मुफ्त समाधान योजना की सुविधा दी गई है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बिजली का बिल बकाया जिनका है उनको सरकार की तरफ से बड़े बिजली बिल बकायादारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अगर आपका बिजली का बिल बकाया है और आप मध्य प्रदेश के हैं, या फिर अगर आप राजस्थान के हैं, या फिर अगर आप बिहार के हैं, तो यहाँ पर बड़े बिजली बिल बकायादारों पर कार्रवाई हो रही है। और साथ ही 5,000 रुपये से ज़्यादा बिजली का बिल जिनका भी है उनकी कटौती भी की जा रही है, यानी उनका कनेक्शन भी काटा जा रहा है। इसी बीच अगली अपडेट की बात करें तो महिलाओं को मिलेगा एक एक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त, सरकार बांटने का बना रही है प्लान। जी हाँ, अगर आप भी महिला हैं और राजस्थान की निवासी हैं तो सरकार की तरफ से कांग्रेस के मुख्यमंत्री चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक एक स्मार्टफोन देने वाले हैं। बता दें, यह स्मार्टफोन महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर मिलेगा। बता दीजिए कि जिन महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं चाहिए तो उनके खाते में सरकार की तरफ से पैसा भी भेजा जाएगा, यानी उनको स्मार्टफोन के बदले पैसा उनके बैंक अकाउंट में सरकार भेज देगी। तो आप किस कंपनी का फ़ोन लेना प्रेफर करते हैं, यानी आपको कौन सा कंपनी का फ़ोन चाहिए, कमेंट करके आप अपनी इच्छा अनुसार उसका नाम बताइएगा। जैसे कि सैमसंग का हो गया, वीवो का, ओप्पो का, रियलमी का, आप जो भी कंपनी का फ़ोन आपको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी बीच अगली अपडेट की बात करें तो दरअसल इन तीन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी।
जी हाँ, आने वाले कुछ दिनों में बिहार, दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है।